नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बिलाजेस टैबलेट के बारे में। दोस्तों, बिलाजेस टैबलेट को डॉक्टर के द्वारा कौन कौन सी बीमारी में दिया जाता है, इसके इस्तेमाल करने का क्या सही तरीका है, कौन कौन से इंग्रेडिएंट बिलाजेस टैबलेट के अंदर इस्तेमाल किए गए हैं, इसके इस्तेमाल करने से कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं और कितनी मात्रा में इस टैबलेट को डॉक्टर के द्वारा इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है। दोस्तों, बिलाजेस टैबलेट की बात करें तो इसको अबॉट हेल्थ केयर फार्मास्यूटिकल कंपनी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है। दोस्तों, इंग्रेडिएंट की बात करें तो इसके अंदर ब्लास्टिन 20 mg इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग इसके अंदर इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों, प्राइस की बात करें 135 rupees की इस पर MRP होती है। 10 टैबलेट का पूरा एक स्ट्रिप आता है। दोस्तों, डॉक्टर के द्वारा इस टैबलेट को जो मेनली जो दिया जाता है एंटी हिस्टामिन दवा है दोस्तों, ये दोस्तों इसका इस्तेमाल एलर्जी के लक्षणों में किया जाता है। दोस्तों, यदि किसी की नाक का बहने की शिकायत है ऐसी कंडीशन में दिया जाता है, बंद नाक में दिया जाता है, छींके आना की समस्या है तो ऐसी कंडीशन में दिया जाता है। उसके साथ साथ दोस्तों, यदि किसी की आँखों से पानी आने की समस्या है तो उस कंडीशन में भी डॉक्टर के द्वारा इस टैबलेट को प्रिस्क्राइब किया जाता है। उसके साथ साथ दोस्तों, यदि किसी को कंजक्शन की समस्या है या आपको जकड़न दूर करने के लिए भी इस टैबलेट को डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है। दोस्तों, ये एलर्जी के लक्षणों में टैबलेट बहुत अच्छा काम करती है। दोस्तों, यदि आपको नाक का बहना, सर्दी जुकाम, छींके आना, आँखों से पानी आना, कंजक्शन, जकड़न ऐसी कोई समस्या है तो इस टैबलेट को आप डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, इस टैबलेट के डोजेस की बात करें तो एक एडल्ट व्यक्ति को डॉक्टर के द्वारा इस टैबलेट को 1 या 2 टैबलेट इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है एक रोज़ में। साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो इसके इस्तेमाल करने से सिर दर्द हो सकता है, थकान हो सकती है, चक्कर आ सकते हैं, ये इसके कॉमन से साइड इफ़ेक्ट हैं जो किसी किसी पेशेंट में देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, दवाई से जुड़ी छोटी मगर महत्वपूर्ण जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारी आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।